हेलो दोस्तों, एडमिशन वाला इस चैनल पे आप सभी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो चलिए हम आज ढूंढने की कोशिश करेंगे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस अपने लिए। ये मैं सिर्फ टॉप 20 या टॉप 10 या टॉप 5 की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं हर मार्क के लिए मैं या फिर हर तरह के मार्क के लिए हम ढूंढेंगे, वहाँ तक जाएंगे हम नीचे तक। तो चलिए हम कोशिश करते हैं कि बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज को कैसे फाइंड किया जाए। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अब मार्क के बारे में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो होना था अब हो चुका है, सीटी हो चुकी है, उसका परसेंटाइल भी आएगा। अब तो जो प्रोसेस होना था अब हो चुका है। अब जितने भी आए हुए मार्क्स या फिर जितने भी परसेंटाइल से आएंगे उनके बारे में चिंता छोड़ दो, वो आने वाले वो उतने ही आएंगे। तो जितने भी आए हैं मार्क्स उसके बेस पे हम बेस्ट कॉलेज ढूंढने की कोशिश करेंगे। जितना भी आए, चाहे 90 हो, 100 हो, 120 हो या फिर उससे कम या ज़्यादा हो, वो बेस मान के ही चलेंगे आप, और उनके बेस पे अच्छे से अच्छा कॉलेज ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैं आपको पहले ही यहाँ बता देना चाहता हूँ कि मैं आज आपको कॉलेज की लिस्ट नहीं प्रोवाइड करूँगा, हम सब मिल के वो लिस्ट प्रिपेयर करेंगे और बाद में उसका कंक्लूजन हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा भी हो रहा है कि हम टॉप कॉलेजेस की लिस्ट सर्च कर रहे हैं, नेट पे जा रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, और थोड़ा उसमें हम उलझन भी पड़ रहे हैं, क्योंकि कोई और बता रहा है, कोई किसी के वीडियो में किसी और कॉलेज के नाम है। तो जनरली उसके पीछे वीडियो बनाना है या फिर जो भी लिस्ट बनाने वाले का भी उनका भी इंटरेस्ट, उनकी भी चॉइस, उनकी भी पसंद रहती है, तो थोड़ा सा उसमें फ़र्क पड़ सकता है। तो आखिर क्या है कि हमारा एम क्या है, कि हमें क्या चाहिए? एक मनचाही ब्रांच, अच्छा पढ़ाई का माहौल, गुड एक्सपीरियंस टीचर्स, और लास्ट में अच्छी सी जॉब। बस यही तो, और ये जो हमें कॉलेज देगा बस हमारे लिए वो अच्छा कॉलेज है। तो चलिए हम सब मिलके उस कॉलेजेस को लिस्ट बनाने की कोशिश करेंगे, उनको खोजने की कोशिश करेंगे, उनको पैरामीटर कुछ हमारे जो है हम उन पर अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम थोड़ा सा लिस्ट प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं अभी। तो मेरे हिसाब से पहले हमें थोड़ा सा विश्वास करना चाहिए माउथ टू पब्लिसिटी पे। जनरली लोग जो हमसे बातें करते तो वो जनरली सच हमें बताते हैं। हमारे दोस्त रिश्तेदार जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं या जिनका इंजीनियरिंग हो चुका है, वो आपको ज़रूर बताएंगे कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, मैंने इस कॉलेज में किया, वो कॉलेज कैसा है, या फिर मैं थोड़ा सा गलती कर गया तो आप मत कीजिए। तो आपको अच्छी जानकारी उनसे प्राप्त होगी, उसी क्षेत्र में जो काम करते हैं इंजीनियरिंग क्षेत्र में, उनसे भी आप, अगर उनका आपका भी मिलना होता है या आपके उनसे जानकार है तो उनसे भी आप इससे कंसर्न कर सकते हो, आपको सही इन्फॉर्मेशन दे सकते जो वहाँ पर पढ़े हैं या फिर जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। दूसरी बात है कि आप चले जाइए डिजिटल मीडिया पे, जहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया वहाँ पे तो बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, हम रिव्यू देख सकते हैं, सर्वेज है, रैंकिंग है, और अन्य बहुत से स्रोत है इन्फॉर्मेशन की जहाँ से हम ये इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते। रैंकिंग के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि अलग अलग रैंकिंग के पैरामीटर अलग अलग होते हैं, उनका पैरामीटर और उनका मापने का, कॉलेज को मापने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे कि अभी फ़िलहाल मैं रेफ़र कर रहा था वीडियोस बहुत से, तो उसमें बहुत लोगों ने NRF रैंकिंग के बारे में बात की है, लेकिन हमारा जो मोटो है उससे मैं अगर बोलूँ तो बहुत से ऐसे कॉलेजेस है जो कि उस NRF रैंकिंग में नहीं है, लेकिन वो अच्छे कॉलेजेस है। अगर उदाहरण के तौर पर ही आपको देना है तो मैं एक कॉलेज का नाम लेना चाहूँगा, वो NRF रैंकिंग में नहीं है लेकिन वो अच्छा कॉलेज है, PICT। तो चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक बात है कि प्लेसमेंट के बारे में भी हमने थोड़ा सी ये थोड़ा सा मैटर ऐसा है कि प्लेसमेंट के बारे में हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनका देखने की कोशिश करते हैं कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है। कई बार जो आंकड़े कॉलेज फेस करता है, जो कॉलेज इशू करते हैं आंकड़े, उसमें थोड़ी सी ये होती है कि एक कंपनी जो अच्छी होती, कई कई लोग तो सिर्फ कंपनीज डालती है कितने आते, लेकिन वो ये नहीं बताते कि वो कितने बच्चे वहाँ से लेते। कई बार तो ऐसा होता है कि एक दो बच्चे लेते हैं, उनकी ये होता है और उनकी सैलरी 40, 50, 60 तक जाती है, तो वही पैकेज वो हो जाता है। इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा और वही सैलरी निकालने की कोशिश कीजिएगा, औसतन सैलरी कितनी है उस कॉलेज की, कौन सी कंपनियाँ विजिट करती, कितने बच्चों को वो प्लेसमेंट करती है,
वो सारी जानकारी आप जुड़ने की कोशिश करेंगी उनके वेब पोर्टल पे मिल जाएगी। जो अच्छे कॉलेज होंगे वो उनके वेब पोर्टल पे जनरली वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। चलिए, दूसरा एक फैक्टर है कि बाकी की छोटी छोटी जो बातें हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि वो भी बातें मैटर करती है। जैसे कि फैकल्टी, कई कॉलेजेस में पूरी फैकल्टी नहीं होती है, तो वो पूरी फैकल्टी है क्या जितनी चाहिए, जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमें जितना ज़रूरी है उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैब्स वगैरह वगैरह जो चाहिए हमारे पढ़ने के लिए, जो जो तय किया है गवर्नमेंट ने, वो सभी सुविधाएं अपने स्टूडेंट के लिए प्रोवाइड करता है या नहीं करता है। टीचिंग लर्निंग फैसिलिटी क्या है वहाँ पे, क्या उनका मेथोडोलॉजी है, उसके बारे में थोड़ा सा आप जान सकते हो। और मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि अपनी भारत वर्ष की जो शिखर संस्था है टेक्निकल एजुकेशन को कंट्रोल जो करती है वो है AICTE, और उन्होंने सभी व्यवसायिक सभी प्रोफेशनल कॉलेजेस को बोला है कि आप मैंडेटरी डिस्क्लोजर अपने वेबसाइट पे डाल दो। उन्होंने अभी फॉर्मेट भी रिसेंटली उसको चेंज किया है, लेकिन मुझे लगता है कि सभी कॉलेजेस ने ये नहीं किया है, लेकिन ये करना चाहिए। ये अच्छे कॉलेज की एक निशानी है कि पूरा इन्फॉर्मेशन उसमें होता है, वो प्रोवाइड करना चाहिए पब्लिकली। ये मैंडेटरी डिस्क्लोजर में जाइए, वहाँ पर आपको सभी इन्फॉर्मेशन कॉलेज के बारे में मिलेगी, उनकी कोर्सेज कब स्टार्ट हुए हैं, पिछले साल उसमें एक्चुअल एडमिशन कितने हुए थे, एवरेज सैलरी पैकेज कितना था उनको, वगैरह वगैरह, कितनी लैब्स है, उस लैब्स में कितना इन्वेस्टमेंट किया है। और वो हमें हमारे रिक्वायर्ड की सभी जानकारी वहाँ पे आपको मिलेगी। टीचर्स के प्रोफाइल आपको देखने को मिलेंगे, उनका क्वालिफिकेशन, उनकी क्या प्रोफेशनल कुछ सोसाइटी से उनका अटैचमेंट वगैरह वगैरह, आपको सारी जानकारी वहाँ पे अवेलेबल होगी। आप जितना आप डीप स्टडी करना चाहोगे कॉलेजेस के बारे में उतना वहाँ पे आपको मटेरियल अवेलेबल होगा। तो चलिए, ये एक फैक्टर है। और मैं आपको सभी अभी मैं आपको सबके सबसे गुजारिश करूँगा कि आप माउथ पब्लिसिटी के बेसिस पे एक लिस्ट बनाइएगा, डिजिटल मीडिया पे जाकर जो हम रिव्यू सर्वे या रैंकिंग से निकालते हैं वो एक लिस्ट बनाएंगे, दोनों का एक थोड़ा सा आप मिलाने की कोशिश कीजिएगा। फिर प्लेसमेंट का डेटा निकाल कर थोड़ा सा उनमें से आप ऊपर नीचे हो सकता है, जो मैंने अन्य जो बताया हमने कि फैकल्टीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह वो बातें भी थोड़ा सा मैटर करती, उनको भी आप थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं उसमें। और सबसे आखिर में, यहाँ पे आप कितना भी कॉलेजेस को आगे पीछे किया आपने, लेकिन आखिर आप पैरामीटर उस पर लगाओ कट ऑफ, क्योंकि अच्छे कॉलेजेस में अच्छे रैंक वाले अच्छे बच्चे जाते हैं, तो जनरली जिस कॉलेज का कट ऑफ हाई होगा वो कॉलेज यकीनन अच्छा होगा। तो आप सभी कॉलेजेस को फिर इस कट ऑफ के हिसाब से मिलाइए। आपका मुझे लगता है फिर ये सब आप करने के बाद आपका जो ऑप्शन फॉर्म की तैयारी है वो लगभग पूरी हो जाएगी। तो मैं आप सभी से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप जो पिछले साल तक प्रैक्टिस कर रहे थे हम वही हम इस साल भी ट्राई करेंगे। तो जितने भी आपने आंसर की से मार्क्स आए उसमें 10-12 मार्क मिलाई, जो भी स्कोर होता है उसे जाइए पिछले साल से कट ऑफ के साथ मिलाइए, जो ऊपर से ऊपर आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल सकता है वो उसमें और 5 मार्क बढ़ाइए, कोई बात नहीं। और अपने कोर्स को आए हुए स्कोर से 5 to 8 10 मार्क्स तक घटाइए, वो आपको फिर आपका वो लोएस्ट कॉलेज आपको मिल सकता है। इसी प्रकार से आप लिस्ट बनाएंगे, जो हमने पहले डिस्कस किए वो सब पैरामीटर लगे, लिस्ट बनाइए अपने मार्क्स तक, वो लिस्ट लिस्ट बना जाए। जब आप कट ऑफ निकालोगे तो तुम्हारे जितने मार्क्स है, अगर मेरे 70 मार्क्स है तो 70 मार्क्स तक मैं वो लिस्ट बनाते जाऊँगा, टॉप टू 70 तक, फिर मेरे ऑप्शन फॉर्म की तैयारी पूरी की पूरी हो जाएगी। इसमें फिर हम इसमें बाद में चर्चा करेंगे कि ऑप्शन फॉर्म में क्या गलतियाँ होती जिस, और वो जो गलती होती है छोटी छोटी गलती, उसका बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है, तो उसके बारे में हम बहुत ही बारीकी से बात करेंगे। सभी रिक्वायर्ड जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करने की जरूर कोशिश करूँगा, क्योंकि ये ऑप्शन फॉर्म बहुत ही क्रुशियल स्टेज होती है। और मैं ये भी आपसे बताना चाहूँगा एक पॉइंट भी, कि चाहे कितने भी आपके मार्क्स हो, टॉप से शुरुआत हमें करनी है। चाहे मुझे 70 मार्क्स हो, लेकिन मैं टॉप से शुरुआत CUEP विजिट ऐसे ही करूँगा, तो उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। और एक दूसरा एक फैक्टर है कि आपकी अगर ब्रांच आपने पसंद की चुन ली है, तो उसकी भी जो ये होती है, जैसे कि मैं अगर फॉर एग्जांपल मैंने अगर कंप्यूटर ब्रांच चुनी है, तो मैं IT पे भी नज़र रखूँगा, कोई और कॉलेज हमें चूज़ करने में और भी ऑप्शन हमारे हाथ में रहेंगे अगर मैंने IT का ऑप्शन भी रखा तो। चलिए, आप कृपा करके या प्लीज़ आप लिस्ट बनाइएगा, मैं मेरा बनाता हूँ, आप अपना बनाइए,
फिर लास्ट में हम दोनों को मिलाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आखिर तक देखने के लिए मैं सभी का धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सभी का मैं यहाँ पे हार्दिक एक बार अभिनंदन करता हूँ कि आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा। और चलिए, आप थोड़ा सा कीजिए, थोड़ा सा वर्क कीजिए, इस पे भी स्टडी कीजिए। आप भी आप अपना लिस्ट निकालिए, कमेंट्स में मुझे वो डाल दीजिएगा लिस्ट, हम मैच करेंगे। अगर उसमें कुछ है तो हम सब मिला के आखिर में एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, ताकि वो अपने ऑप्शन फॉर्म में हमें काम आएगी। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है ये चैनल आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देगा दे रहा है, तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट तो मैंने आपको बोला ही कीजिएगा। तो चलिए, गुड नाइट।